हाँ, दिनांक 18 तारीख को सूरत जिले, गुजरात राज्य के सूरत जिले के उमरा थाने अंतर्गत, वहाँ पे एक टेक्सटाइल व्यापारी हैं जिनका घरेलू नौकर था। उनके घर का पूरा सामान, जो आभूषण थे, उसको साफ करके वहाँ से फरार हो गया था। वहाँ रिपोर्ट हो गई थी। सक्रियता के साथ गुजरात पुलिस काम कर रही थी और वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी, और हमारे सामान जो पुलिस चबाई अधीक्षक गया उनके महोदय वो बंद ने कर दिया। रीवा पुलिस टीम, सिविल लाइन पुलिस को और यहाँ के ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव किया। और आज सुबह 5 बजे भोर में उस व्यक्ति को, जो वहाँ से चोरी करके सामान लेके भागा था, उसको मैं माल के साथ पकड़ लिया। पूरे माल की जो उसके पास था, पूरा वीडियोग्राफी कर पूरी सूची बना के बरामद कर लिया गया। आरोपी का वृक्षम ले लिया गया था। इसके बाद गुजरात पुलिस भी कुछ घंटे बाद यहाँ मौके पर पहुँच जाती है और उसको माल और मुलजिम दोनों हैंड ओवर कर दिया जाता है। 1,500 किलोमीटर की दूरी आ गया वहां से चोरी करके। किस मार्ग से आया? सड़क मार्ग से आया, रेल मार्ग से आया, क्या से आया? सामान जो चबाई गया उनके वो बाई बंद बस कर ही दिया। वहां से आया है, सूरत से बाई बस आया। और वहां से सूचना मिलने पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्परता से इसमें कार्रवाई कराते हुए सबको सक्रिय कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो माल रीवा से आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो सका। पुराना बस स्टैंड, क्या क्या बताऊँ, उसमें बहुत सारे आभूषण थे, हार थे, 23-24 चैन थी, सिक्के थे, बर्तन थे, ब्रेसलेट थे कई, और उसमें जवाहरात भी थे, कीमती जवाहरात, डायमंड वगैरह भी थे। लगभग करोड़ रुपए से ज्यादा ही रहा होगा। नगदी नकदी 3 लाख रुपए मिले थे। नगदी दो लोग यहाँ पे मिले कहाँ जा रहे थे? थे। ये मूलतः ये जो आरोपी था, ये गुजरात, ओ सामान जो सॉरी, चबाई गया उनके हाँ, वो बिहार बंद का कर रहने दिया। वाला था। ये बिहार जा रहे थे और इनका प्लान था कि नेपाल निकल जाते।